व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अब्दुल रहमान फ्रॉम SSGO मोबाइल। सो भाई लोग क्या हाल चाल, एकदम मजे में फिट। बट जैसा कि आप जानते हैं, हमने हाल ही में अनबॉक्सिंग की थी इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की, साथ साथ उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि आने वाली मजीद वीडियो में इसका पबजी रिव्यूज भी लेकर आने वाला हूं। तो गाइस आज की वीडियो जो है, आपने इसके अब तक पबजी रिव्यूज काफी देख लिए होंगे। बहरहाल जो मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, समझ लो मैंने इसमें 2 से 3 कह लें कि आप घंटा मैंने इसमें गेम खेली पहले, ठीक है। उस गेम खेलने के बाद मैंने इसमें गेम रिकॉर्डिंग, क्योंकि स्टार्ट में डिवाइस न्यू ही हो तो हर चीज़ परफॉर्मेंस बेस्ट ही आती है, क्योंकि डाटा वगैरह तो इतना कुछ होता नहीं है। और खेलते रहो, जब बैटरी उसकी काफ़ी हद तक गिरे, या यानी कि आप ये कह लें कि 100 है तो 20-30% डाउन हो जाएगा, बाद यानी कि मोबाइल हीट हो थोड़ा सा, उसके बाद गेम प्ले इसका क्या रिकॉर्ड होने वाला है, तो उसके रिलेटेड मैंने आज की वीडियो रिकॉर्ड की है। कंप्लीट में पबजी रिव्यूज़ किए हैं, डिफरेंट गेम प्ले खेले हैं, और रेडमी के कुछ मोबाइल हैं, वीवो के मोबाइल हैं फ्रेंड के पास, उनके साथ एक TDM का रूम भी लगा के देखा है, उसमें भी इसकी परफॉर्मेंस देखी है, मुझे क्या देखने को मिलती है। यानी कि आज की टोटल वीडियो में मैंने इसका गेमिंग का कंप्लीट पोस्ट मौसम किया है, वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो यहां पर मैं वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ऐसे मोबाइल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। बहुत सारे लोगों की भाई रियल आईडी से आ गए, और ये आप इसे मेरे हैंड में देख सकते हैं, इन्फिनिक्स का नोट 10 प्रो। आज की वीडियो में इसे कंप्लीट पबजी टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको इसके कंट्रोल्स वगैरह दिखा दूँ, तो ये कंट्रोल्स देख सकते हैं जो मैंने सेट किए हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं इसके कुछ बेसिक सेटिंग वगैरह, जायरो ऑलवेज में मैंने ऑन कर दिया है, यानी कि इसमें जायरो का ऑप्शन हमें देखने को मिला था। इस हिसाब से डिवाइस बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने डिफरेंट किस्म के गेम प्ले रिकॉर्ड्स किए हैं, बड़ा मैच भी लगाया है, उसके बाद TDM भी खेले हैं, उसके बाद फ्रेंड के साथ मैंने रूम भी लगाया TDM का, स्क्रीन कोडिंग वगैरह भी करके देखी इसकी परफॉर्मेंस हमें क्या क्या देखने को मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप समझ लें इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम ही है। तो यहाँ पर फिलहाल हम रोजक में लैंड कर रहे थे, तो आप यहाँ पर वीडियो को इन्जॉय करिएगा, वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक और बात शेयर करता चलूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ। इसमें आप यह समझ लें कि इस मोबाइल में हमें 2 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, एक इसका राइट साइड पे आप कह लेंगे, एक लेफ्ट साइड पे इसका स्पीकर देखने को मिल रहा है। इसका जो बेनिफिट है ना, वो ये है कि मैं इसमें जो गेम इसमें प्ले कर रहा हूँ, ये विदाउट हैंड फ्री देखेगा, आप देख सकते, कोई मैंने हैंड फ्री नहीं इसमें लगाई हुई, विदाउट हैंड फ्री के मैंने भी इसे हल्ला के हैंड फ्री लगा के खेल सकता था, हैंड फ्री मेरे पास पड़ी हुई है, पर मैं टेस्ट कर रहा था कि अगर 2 स्पीकर दिए हैं इसमें, क्या वो पबजी को इम्प्रूव करेंगे या खाली बात डाल दिए हैं या फिल्में वगैरह देखने के लिए। नहीं भाई, अभी आपने देखा, हमने जो अभी मारा तो वो जो 2 स्पीकर है, ये एनिमीज की फुटस्टेप को जो ट्रैक करेंगे, सेम उसी तरह ही करते हैं जिस तरह हमारी एक हैंड पिक करती है, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट। तो ये चीज़ भी हमें इसमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है कि आपको अगर हैंड फ्री नहीं भी, तो हैंड फ्री की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप विदाउट हैंड फ्री भी इसके साथ काफ़ी अच्छी गेम प्ले अपनी खेल सकते हैं। यहाँ पर ना हम अपनी मशीन और मतलब जब खेल रहे थे गोडजिला, ये वो इधर उधर खेलते थे, उसके बाद हम पार्टनर आए, तो हमें कन्फर्म हो गया था भाई मैच में हैकर तो लाजमी है। एक तो ये सामने वाला है जिसको हमने बहुत बुलेट अटैच किए पर डैमेज नहीं हुआ, एक हमारे ऊपर था वो भी समझ M16 से टक टक लगा हुआ था, और उसने भी आगे आप समझ आ रहे हैं जब गेम में हैकर हो तो फिर क्या बन रहा है। तो हमने 2 मैच कनेक्ट किए थे, दोनों पे अरबी लोबी लगी थी, तो हैकर ने दोनों मैचों में हमें समझ लें ऐसी किया, तो हमने फिर गेम एग्जिस्ट कर दी, ज़्यादा खेल ली। इस मैच में हमें हैकर ने मार दिया था, नेक्स्ट वाली गेम मैंने लीव करके TDM का ही गेम प्ले रिपोर्ट नहीं किया, बुलेट लगी नहीं रही उन्होंने। भाई अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा देखने को मेरे समूथ अल्ट्रा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, देखने को इसमें ग्राफिक मिल जाते हैं, तो बड़े मैच की परफॉर्मेंस देख ली, बड़े मैच में इतना कोई हमें मज़ा नहीं आया, तो यहाँ पे हमें TDM का लगा लेते हैं रूम, और TDM में इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं क्या रहने वाली है। तो लैग तकरीबन इसमें ना होने का बराबर ही देखने को मिला है, लैग तकरीबन इसमें ना होने का बराबर देखने को मिला है हमें यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर मैं TDM खेल ही रहा था, तो इतने में मेरे मैच दोस्त हैं,
की रिजर्वेशन आ गई कि भाई आ जाओ अपन रूम खेलें आपस में, तो मैंने सोचा क्यों ना रूम ही खेल लिया जाए। दूसरे के पास वीवो का मोबाइल है, अगर मेरे पास इनफिन नोट 10 नया मॉडल आया तो मैं दोनों को कंपैरिजन भी करके देख लेंगे कि कौन सी डिवाइस की ज़्यादा गेम प्ले होने वाली है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेम प्ले कर रहा था भाई, बहुत अच्छा समझ लिया प्लेयर है, काफ़ी धोया है इसने मुझे भी। तो यहाँ पर हम और एक मैं आपको बताता जाऊँ, कोई क्लिप मैंने कट की है पर इतने नहीं कट किए, ये चीज़ में आपको लगे कि हम फेयर नहीं खेल रहे, कि आपको कहा भाई मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा इसलिए आपने मुझे मारना नहीं है। भाई नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, रैंडमली तौर पे मेरा दोस्त आ गया था तो रैंडमली तौर पे हम आपस में खेल रहे थे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये मुझे शॉट मारा है, तो मेरे पास जो इस टाइम मोबाइल है रेडमी का इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो न्यू मॉडल लॉन्च हुआ था वो वाला, उससे मैं गेम खेल रहा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। और जो मेरा दोस्त है इसके पास है वीवो का V20, जो भाई आप दोनों का कंपेरिजन भी कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सी बेस्ट है। प्राइस का डिफरेंट आपके सामने है, 50-50 प्लस है तो एक 30 के करीब है। तो दोनों का गेम प्ले देख सकते हैं, स्मूथ अल्ट्रा के ग्राफिक्स थे रेडमी नोट 10 प्रो के, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी। तो भाई की गेम भी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे गेम प्ले करते हैं साथ साथ थोड़ी कम्युनिटी भी हो जाए। तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे थे पट से अच्छे देने का पर नहीं लगा, तो भाई भी ट्राई करते रहे नहीं लगा, तो यहाँ पे हमने फिर एक बुलेट अटैच की नहीं लगा, तो यहाँ पे आया रिलोड, रिलोड आया, मैंने कहा चलो ले जाता हूँ जैसे अंदर आएंगे मारूंगा, पर नहीं मारा, पर भाई ने नहीं छोड़ा। भाई उन्होंने कहा पैरों में पड़ोगे तो मैं पैरों में लिटा के सुला के चला जाऊँगा तुम्हें, तो यहाँ पे तो उन्होंने सुला दिया। हम फिर यहाँ से घसीटी मारी, घसीटी मार के निकल तो है, यहाँ पे सर्च किया देखा तो वो वहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे हम देने लगे थे इसको फ्लाइंग शॉट पर यहाँ पे फ्लाइंग शॉट नहीं लगा, मिस करके यहाँ पे हमने एक बॉडी टॉच शॉट अटैच की, फिर उसको अटैच किया नहीं लगा, फिर उसके बाद भाई निकले और देखे भाई कवर के अंदर से आके हेड शॉट लगाया, मुझे भी नहीं पता लगा कहाँ से मारे। तो भाई इसी से भी आप अंदाज़ा लगा लेने का बिल्कुल फेयर गेम है, कोई मैंने उसको पट्टी शट्टी नहीं पढ़ाई है, मैं पैसे वैसे ही नहीं दिए। तो यहाँ पे फिर मैं एक और फ्लाइंग शॉट की ट्राई कर रहा था पर नहीं लगा, तो यहाँ पे फिर एक V60 मारी, घसीटी मार के फिर ट्राई की नहीं लगा, भाई नीचे लेट गया था हमारा यहाँ पे, तो V60 का लगाया था पर हमें 47 क्लिपा भाई कहाँ से आ सकता है। यहाँ पे फिर ट्राई किया भाई ने, फिर यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा झटका दे दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ करके खेलूँ, क्योंकि बहुत इशू हो रहा था स्क्रीन के साथ ना, काफ़ी देर से मैं इस डिवाइस में कह रहा था कि जब ये मोबाइल थकेगा ना उसके बाद मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा, तो मैंने वैसा ही किया। तो काफ़ी एक दो घंटा हो गया था मुझे इसमें खेलते हुए, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग करा, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ किया जनरल भी तौर पर, फिर मैंने ऐसे खेला। तो यहाँ पे एक भाई ने मैंने भाई को डेड किया, दूसरे भाई में मैं फिर टपकता ही रह गया, तो भाई ने खड़े हो गए सीधा, फिर मैं तो फुतक मैं तुझे सुलाता हूँ यहाँ पे। तो अगेन हम यहाँ से निकले अपने घर से, भाई देखा दुखा तो भाई देखो यहाँ पे टीवी भी लेके बैठे हैं। तो मैं यहाँ पे रिलोड करने लग गया, तो मुझे पता था उसको लालच है, मैं डैमेज था इसलिए वो आया ओपन में और मैंने दिया एक पार्ट से उसके सीने पे और वहीं पे डेड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ टीपी भी ली, तो जैसे ही भाई निकला ट्राई किया नहीं लगा, पर कवर में मुझे लगा, तो यहाँ पे आए फिर भाई ने भाई दिया एक कान के नीचे टपाक के और वापस भेजा लोबी में, उन्होंने कहा वीडियो तुम बाद में रिकॉर्ड करना पहले मैं तुम्हें धोता हूँ। और उसे भी नहीं पता था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी मारा था, काफ़ी लीड अच्छी थी 6 और आप देख सकते हैं 6-10 का 4 पॉइंटों का डिफरेंट था, फिर भी यहाँ पे हम कोशिश कर रहे थे कि जीत सकें। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको दिया हेडशॉट पर वो कनेक्ट हुआ बॉडी में पता नहीं कैसे, तो यहाँ पे फिर मैंने एक बॉडी दिया, शुक्र है भाई 1 बुलेट वाला ग्रिज में ख़त्म हुआ, 1 बुलेट पर ही बंदा डेड हो गया उसका। तो यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छी गेम जाती थी, बहरहाल उनकी लीड बरकरार थी। तो ये हवा में शॉट मारा भाई इन्होंने, बड़ा गंदा शॉट मारा था यहाँ पे, मुझे गुस्सा आया था अच्छा खासा, फिर मैंने कहा यार चलो कोई नहीं दोस्त है, फिर यहाँ से मैं देखता हूँ कि TPP तो नहीं ले रहा, तो नहीं ले रहा होता। तो यहाँ पे फिर मैंने इसे लेट के दिया एक, तो भाई क्वालिटी वीडियोग्राफिक इसके लिए मैं आपसे माजरा कहता हूँ, क्योंकि अकेला था तो सेटअप इतना कोई VIP नहीं है, तो अपने भाई का दुआ करिएगा वो भी VIP हो तो उसको भी अपग्रेड करेंगे, तो इसीलिए हम गुजारा करिएगा। बाकी नोट 10 प्रो भाई नोट 8 को भी काट गया, बहुत ही कमाल की इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे TPP लेके खड़े थे तो आपके भाई ने यहाँ से जंप लेके से दे दिया, तो आप देख सकते हैं यार एक बंदा 60,000 के मोबाइल में खेल रहा है और एक बंदा 30,000 के मोबाइल में खेल रहा है, और यहाँ पे कान के नीचे रख के देते हुए 50,000 वाले की ठोक दी L। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि कौन सी डिवाइस ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ट देती है। तो मैंने एक और चीज़ इसमें नोट की कि डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम हमें किसी को अक्सर होता है ना कि गेम खेलते हैं तो आपका डिवाइस हीट हो जाएगा, इसमें वो हीट प्रॉब्लम मुझे नहीं देखने को मिली, काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस जा रही थी। डिफरेंट है यार आधे आधे प्राइस का, रेडमी का जैसे जानते हैं कि नोट 9S का 6128 तो ये भी 8128 है, तो मैं उसके साथ भी इसको कंपेयर करके देखूंगा दोनों की गेमिंग परफॉर्मेंस में कौन सा बेस्ट है, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि उसको कंपेयर करें कि नहीं। तो यहाँ पे आपकी दुआ होनी चाहिए, आपके भाई ने किया बैकअप,
वन बाय करके इसके कान के नीचे लगा के बैकअप किया और यहाँ पे 20 किल के साथ हमने ये मैच को प्ले कर लिया, यानी कि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को जिता दिया। बहुत ही ऑसम गेम प्ले था यहाँ। ये थी हमारी आज की वीडियो और ये था इसका टोटल कंप्लीट रिव्यू जो कि आपके सामने मैंने शेयर कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे लेटेस्ट आने वाली मजीद इस तरह की कोई सेटिंग के रिलेटेड वीडियो या मजीद इसके कुछ कैमरा रिव्यूज़ के रिलेटेड। तो वक्त के लिए भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।